फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त, आज आपसे इस प्लांट के बारे में बात करूंगी। इसका फूल देखिए, बहुत अलग अलग रंगों में फूल आते हैं इसके इसके रेनन्क्युलस कहते हैं, और गुलाब जैसा लगता है इसका फूल खिलने के बाद। इसमें रेड, येलो और बहुत प्यारे प्यारे कलर्स के फूल आते हैं। मेरे पास भी ये चार रंग के हैं अभी, लेकिन खिले नहीं हैं। एक येलो खिला था लेकिन वो अच्छी तरह नहीं खिला। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अब हम यहाँ राजस्थान में रहते हैं तो हमें प्लांट उगाना आता है, हमें पता है कि उसको कैसी कंडीशंस चाहिए, लेकिन वो कंडीशंस हमारे यहाँ है ही नहीं, तो हम उसको कैसे उगाएं, हम वो क्रिएट नहीं कर सकते। जितना ठंड चाहिए पौधे को, जितनी धूप चाहिए, जितना डार्क ड्यूरेशन चाहिए, वो हम अपने आप क्रिएट नहीं कर सकते। हमारे पास ग्रीन हाउसेस तो है नहीं घरों में, तो यहाँ फिर हमारी बाउंडेशन हो जाती है। हमें आता है, आपको बता सकते हैं चीज़ को, लेकिन हम यहाँ उगा नहीं सकते क्योंकि हमारी कंडीशंस जो है वो हमें हेल्प नहीं करती, क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ये जो प्लांट है, ये रेनन्क्युलस जो है, ये प्लांट जो है ये थोड़ा ठंड ज़्यादा चाहता है, थोड़ा कूल वेदर इसको ज़्यादा पसंद है, गर्मी इसको अच्छी नहीं लगती है, जैसे दोपहर की या बहुत तेज धूप जैसे बाकी प्लांट्स बर्दाश्त करते हैं, ये बहुत ज़्यादा धूप को बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, अगर ठंडे इलाकों में आप रहते हैं, आपके यहाँ धूप भी ठंडी होती है, तो उसको ये बर्दाश्त करेगा। मैं अपनी बात कर रही हूँ, यहाँ राजस्थान में इस दोपहर हमारी ऐसी होती है जैसे आप लोगों के यहाँ गर्मी की होती है जो नॉर्थ में रहते हैं लोग, तो वैसे कंडीशंस ये नहीं चाहता। इसको थोड़ी कूल वेदर अच्छा रखता है, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, जो फ्रॉस्ट पड़ता है उसको ये रेजिस्ट करता है, उसमें ये चल जाता है, इसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कोहरे से। तो लेकिन इसको गर्मी बर्दाश्त नहीं है, इस प्लांट को धूप चाहिए, लेकिन ज़्यादा अगर गर्म इलाका है तो इसको सुबह की बस थोड़ी थोड़ी धूप चाहिए, ज़्यादा धूप नहीं सारा दिन की चाहिए। और अगर बहुत ठंडे इलाके में रह रहे हैं तो फिर इसको सारा दिन की धूप भी आप दे सकते हैं। और ये तो मैंने इसकी ठंडक की बात की, ये चाहिए इसको, ठंड का प्लांट है ये, मतलब कूल वेदर इसको पसंद है। जैसे पिटूनियाज हैं, वर्बीना है, ये सब तो इनको धूप चाहिए, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है, धूप और ठंडा क्लाइमेट, तो मॉर्निंग सन मिले तो भी ये अच्छा चलता है। और फिर हम इसकी अब मिट्टी की बात कर लेते हैं, तो वेल ड्रेन्ड ही होनी चाहिए मिट्टी, क्योंकि मिट्टी रुकेगी तो इसकी जड़ें जो है वो, जड़ें क्या, रेनन्क्युलस की छोटी छोटी जड़ें ही होती हैं, उनको बल्ब्स कह देते हैं। एक्चुअली वो छोटी छोटी सी जड़ें होती हैं, बाजार में भी मिलती हैं और ऐसे प्लांट्स भी मिलते हैं कटिंग से ग्रो किए हुए भी। और अभी मैंने तो ये प्लांट ही लिया है, मैं लास्ट ईयर इसकी बल्ब्स लाई थी छोटे छोटे से, वो ऐसे होते हैं छोटे छोटे से, छोटी सी जड़ और नीचे से जैसे यूं निकले हुए चार पांच जड़ें सी ऐसे निकली हुई, जैसे कई बार हमारे प्याज वगैरह के सबसे नीचे के हिस्से में यूं जड़ें निकलती हैं, थोड़ी सी मोटी जड़ें निकली हुई। मैं जब इसका निकालूंगी सेव करने के लिए तो दिखाऊंगी। ऐसे पूरे ऐसे बल्ब नहीं होते हैं, गोल छोटे बल्ब नहीं होते, ऐसे जड़ें सी निकली हुई होती हैं, छोटा सा और यूं ऐसे जड़ें सी निकली हुई होती हैं, तो वो गल जाएंगे अगर पानी ज़्यादा रुकेगा मिट्टी में। तो इसकी मिट्टी एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा सॉयल, और उसमें आप दो हिस्से या डेढ़ हिस्से खाद डाल दीजिए। खाद सीजनल को थोड़ा ज़्यादा मिले तो अच्छे रहते हैं, उनमें फूल वगैरह अच्छे आते हैं। और आप इसमें एक चम्मच बोन मील भी डाल सकते हैं, बोन मील अच्छी होती है, फॉस्फोरस देती है प्लांट्स को, और उससे फूल जो है वो जल्दी खिलते हैं। एक चम्मच ही डालिए, बहुत ज़्यादा डालेंगे प्लांट के जलने का डर भी रहता है, बहुत ज़्यादा मत डालिए। और बाद में इसको हर 10 दिन बाद आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। मैं तो कहती हूँ अगर आपका इलाका थोड़ा सा ठंडा ठीक है, नॉर्मल जैसे नॉर्थ के हैं, पंजाब, हरियाणा और भी कई, मैं ये दो ही स्टेट्स बार बार बोल जाती हूँ, तो और भी हैं MP UP के इलाके जहाँ पर ठंड ज़्यादा अच्छी पड़ती है, तो वहाँ पर आप इसको हफ्ते में एक बार भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, उससे ये अच्छा ग्रो करेगा। और लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसा दीजिए जिसमें, जैसे मैंने वो बताई हुई है आपको, कंपोस्ट टी वगैरह बनानी बताई हुई है, कई तरीके से बनती है वो, मेरा भी एक वीडियो है उस पर, वो देख सकते हैं, वो दीजिए तो प्लांट जो है वो आपका अच्छा ग्रो करेगा। और फिर जो है ड्रेनेज जो है वो गमले का अच्छा हो, ताकि आप एक्स्ट्रा पानी फटाफट निकल जाए। और ये जो फूल आते हैं इस प्लांट के, तो इनको आप तोड़ते रहिए, जैसे फूल खिला
तो आप उसको तोड़ने में घबराइए नहीं, सुबह के टाइम या शाम के टाइम में तोड़िए ताकि आपके सजाने के काम भी वो आ जाए। तो प्लांट जितना आप फूलों को तोड़ेंगे उतने इसमें और ज़्यादा फूल आएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, फूलों को जितना तोड़ेंगे उतना ये ज़्यादा फूल देगा। और एक चीज़ और है, अगर आप इसको बल्ब से लगाते हैं तो जितना बड़ा बल्ब का साइज़ होगा लेते वक्त, उसको बल्ब कहते हैं वैसे वो जड़ें सी होती हैं, मुझे तो वो रूट सी लगती हैं देखने में, छोटी छोटी इतनी सी, तो जितना बड़ा उसका साइज़ होगा डायमीटर ऐसे उतने ज़्यादा फूल देगा ये प्लांट। ये 10-12 तक फूल, 15 तक फूल दे देता है एक ही प्लांट, और उससे ज़्यादा भी दे देता है अगर न्यूट्रिशन अच्छा हो सब हो। इतना सा प्लांट है ये, बड़े अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं इसमें। तो आप उसके फूलों को पिंच कर तोड़ते रहिए मतलब, और तोड़ते रहेंगे मतलब बिना मुरझाए भी अगर आप इसको तोड़ते रहेंगे फूलों को तो भी, मुरझाने पे तो हम डेड हेड करना तो सभी प्लांट्स को कहते हैं, डेड हेड मतलब वो मरा हुआ हिस्सा, फूल जो है वो उग चुका और फूल सूख गया और सूखने लग गया तो वो जो पॉइंट है प्लांट का वो डेड हो गया, मतलब उसमें अब और ग्रोथ नहीं होगी और वो न्यूट्रिशन ही लेगा बीज बनाने के लिए और हमें अभी और फूल चाहिए, तो उसको हटा देना उस मरे हुए फूल को, उसको कहते हैं डेड हेडिंग, कि डेड वाले हेड को हमने हटा दिया ताकि नीचे से प्लांट जो है वो और अच्छी तरह ग्रो करे। अभी ये देखिए ये फूल खिला नहीं है, अभी देखिए पूरा खिलेगा अंदर से, ये सारी अभी ये कली है, ये खिला ही नहीं है अभी फूल, बस बाहर का एक एक पत्ता निकला है इसका, अंदर अभी ये बहुत अच्छा फूल, पूरा गुलाब जैसा बड़ा फूल बनेगा अभी ये, तो अभी बहुत छोटा सा है, ये कली है मतलब, एक्चुअली अभी ये फूल नहीं खिला है। तो वो मैं बता रही थी कि एनर्जी ले लेता है इसलिए उसको हटा देना चाहिए, है ना। तो आप ऐसे फूलों को हटाएंगे तो फूल आपके ज़्यादा आएंगे प्लांट में। और पानी जो है आप इसको देंगे, जैसे ऊपर की लेयर थोड़ी सी सूख जाए तो दें पानी, ओवर वाटरिंग नहीं करें, पानी दे दें ऊपर की, जैसे अभी देखिए मेरे इसकी मिट्टी मॉइस्ट है, बस ऐसी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए, ये देखिए मिट्टी ये मॉइस्ट है, ये देखिए ऐसी रहनी चाहिए मिट्टी, ज़्यादा गीली नहीं रहनी चाहिए और बिल्कुल सूखी हुई भी ज़्यादा देर तक, थोड़ी सी सूख जाए तो दें पानी। अभी जैसे मेरे ये मॉइस्ट है तो मैं इसमें आज अब पानी नहीं दूंगी, कल तक अगर ये थोड़ी थोड़ी ऊपर की लेयर सूखनी शुरू हो जाएगी तब मैं इसमें पानी दूंगी। और इसके जो फूल होते हैं फ्रेंड्स वो पॉइजनस हैं, ये आप ध्यान रखिए कि आपके घर में बच्चे हैं या एनिमल्स हैं तो इसके फूलों को ना खाएं, उनकी पहुंच से इसके फूलों को थोड़ा सा दूर रखिए। और इतने प्यारे प्यारे कलर्स आते हैं इसके, अभी मेरा तो ये वाइट वाला ही खिला है, बाकी वाले खिलेंगे तो मैं बताऊंगी, वही मैं जैसे आपको कह रही हूँ हमारे यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कभी उसको छाया में रखना पड़ता है, कभी धूप में, थोड़ी सी दिक्कत आती है मेरे को। तो अभी और फूल खिलेंगे दूसरे प्लांट्स के तो फिर मैं वो भी आपको या तो फेसबुक पेज पे उसकी फ़ोटो डालूंगी या फिर एक और वीडियो बना के सारे प्लांट्स एक साथ रख के और उनके कलर्स दिखाऊंगी डिफरेंट फ्लावर्स के। अच्छा, जब इसके फूल खिल विल जाते हैं फरवरी में या मार्च में, जब भी हमको पता चलने लग जाता है कि अब ये प्लांट का फूल वगैरह खिल गए हैं और इसका मौसम जब चला जाता है, तो उसके बाद देख लीजिए फरवरी मार्च तक जब तक इसमें फूल आते हैं। ये देखिए एक और बर्ड आ रही है इसमें, देखिए तो जब तक इसमें फूल आते हैं ठीक है, जब फूल आना बंद हो जाते हैं तो उसके बाद आप क्या करिए कि इस प्लांट को छोड़ दीजिए ऐसे ही गमले में और इसकी पत्तियों को पानी देना थोड़ा सा कम कर दीजिए और पत्तियों को ऐसे ही छोड़ दीजिए गमले में। धीरे धीरे पत्तियां जो हैं वो इसकी येलो पड़ने लग जाएंगी, सूखने लग जाएंगी। पत्तियां हम इसलिए छोड़ते हैं कि अब फूल आना तो बंद हो गए हैं और पत्तियां खाना बना बना के वो एनर्जी जो है नीचे जो हमारी जड़ें हैं जिनको हम बल्ब्स कहते हैं उनमें स्टोर कर दें, तो उनमें वो एनर्जी जब स्टोर हो जाएगी तो वो अगले साल और अच्छे फूल देती है वो जड़ या वो बल्ब। बल्ब वाले प्लांट्स में ऐसे ही किया जाता है कि उसको आप छोड़ दीजिए, उखाड़िए बल्ब निकालिए नहीं, ऐसे ही छोड़ दीजिए उसको, एक महीने लगे या डेढ़ महीना जो भी है देख लीजिए, 10-15 दिन महीना जो भी है लग जाएगा, पता चल जाएगा आपको। ये पत्ते धीरे धीरे फूल बनाते रहेंगे, उस जड़ को देते रहेंगे बल्ब को और उसके बाद ये पीले पड़ने लग जाएंगे क्योंकि हम पानी उनको कम दे रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बस उनको जिंदा रखने जितना पानी दो आप, बहुत कम कर दीजिए पानी देना। पत्ते धीरे धीरे पीले पड़ जाएंगे और जब वो पत्ते बिल्कुल पीले पड़ के सूखने लग जाए
तो फिर आप उन पत्तों को हटा दीजिए, और उसके बाद अगर आपको गमले को वैसे ही स्टोर करके रखना है तो यूं ही रख लीजिए, या फिर उन बल्ब्स को निकाल लीजिए, और निकालने के बाद उसको आप किसी ठंडी जगह पर, छाया वाली जगह पर स्टोर करके रख दीजिए। वो मैं बता दूंगी कैसे रखना है, या तो कोकोपीट में रखिए या वर्मिक्यूलाइट और परलाइट के मिक्सचर में रखिए, वो कैसे रखना है मैं बता दूंगी जब रखना है। और फिर नेक्स्ट सीजन में उन्हीं बल्ब से बहुत अच्छे अच्छे फूल, और भी हेल्दी बड़े फूल खिलेंगे, क्योंकि पत्तों ने उनको एनर्जी दे दी हुई है फोटोसिंथेसिस कर करके, तो वो अगले सीजन में और अच्छे आपको फूल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, बहुत प्यारे होते हैं, अगर ये रेड फूल होता ना तो आपको बहुत अच्छा लगता, लेकिन मेरे खिला ही वाइट है अभी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।